हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, मार्केट में वीवो कंपनी एक बार फिर से एक और नया स्मार्टफोन लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब की बार वीवो कंपनी अपनी वीवो S15 सीरीज को मार्केट में उतारने जा रही है, जिसके अंदर आपको वीवो S15 और वीवो S15 Pro स्मार्टफोन देखने को मिलेंगी। दोस्तों, ये दोनों ही स्मार्टफोन कंपनी के बढ़िया स्मार्टफोन होने वाले हैं। इन दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको बढ़िया फीचर्स मिलेंगे और इन दोनों ही स्मार्टफोन का लुक और इनका डिजाइन भी बढ़िया होने वाला है। तो दोस्तों, वीवो S15 Pro स्मार्टफोन को लेकर लगभग सभी कन्फर्म स्पेसिफिकेशन सामने आ चुकी है और दोस्तों, इस स्मार्टफोन की ऑफिशियली पिक्चर्स भी कंपनी ने शेयर कर दी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन की फुल स्पेसिफिकेशन, इसके फीचर्स, इसके प्राइस और इसकी लॉन्चिंग डेट आदि के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी वीवो कंपनी के फैन हैं तो दोस्तों बने रहिए आप इस वीडियो में एंड तक, और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह ही वीडियो की शुरुआत करेंगे इस स्मार्टफोन के लुक और इसके डिजाइन के साथ। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन कुछ हद तक वीवो S12 Pro स्मार्टफोन की जैसा ही होने वाला है, लेकिन दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको अब की बार 5 16 कटआउट वाली कवर्ड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और इसके साथ इसके अंदर आपको सिंपल ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के कैमरा का डिजाइन कुछ हद तक वीवो S12 Pro स्मार्टफोन की जैसा ही होने वाला है। तो दोस्तों, लुक और डिजाइन के मामले में स्मार्टफोन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस स्मार्टफोन के लुक और इसके डिजाइन का आप वीडियो में देख भी सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी 6.56 इंच की फुल HD कवर्ड डिस्प्ले प्रोवाइड कराने वाली है, जो कि 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ आएगी और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 होगा और इसकी कॉर्नर के ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर आपको 19Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों, डिस्प्ले के मामले में स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। इस स्मार्टफोन अंदर आपको अभी की बार कंपनी कवर्ड डिस्प्ले प्रोवाइड कराने वाली है और हमेशा की तरह ही स्मार्टफोन अंदर आपको सुपर एमोलेड का पैनल देखने को मिल जाएगा और सुपर एमोलेड का पैनल होने के कारण स्मार्टफोन अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन के कैमरा सेंसर के बारे में तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वीवो कंपनी अपनी एस सीरीज के स्मार्टफोन के कैमरा सेंसर के ऊपर सबसे ज्यादा जोर देती है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी के बैक के ऊपर आपको 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 85 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा प्रोवाइड करा सकती है। लेकिन दोस्तों, स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। आपको याद हुआ कि दोस्तों, वीवो S12 Pro स्मार्टफोन के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेल्फी कैमरा देखने को मिला था। तो दोस्तों, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस स्मार्टफोन अंदर भी आपको शायद सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल का ही देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी कैमरा सेंसर बढ़िया प्रोवाइड कराने वाली है और दोस्तों, इस स्मार्टफोन अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि सोनी के IMX766 के सेंसर के साथ आएगा। तो दोस्तों, स्मार्टफोन के कैमरा की तरफ भी आपको देखने की जरूरत नहीं होगी। वेरियंट के बारे में बात करें तो दोस्तों, मार्केट में स्मार्टफोन को कंपनी 8GB और 12GB रैम के वेरियंट में उतारने वाली है, जिनके साथ आपको 128GB और 256GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मार्केट में स्मार्टफोन आपको 2 वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर आपको शायद वर्चुअल रैम कार्ड का भी सपोर्ट मिलेगा। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन के सबसे खास फीचर स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में तो दोस्तों, आपको याद हुआ कि वीवो S12 Pro स्मार्टफोन अंदर भी आपको मीडियाटेक का ही चिपसेट देखने को मिला था। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन अंदर भी आपको मीडियाटेक का ही चिपसेट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ओक्टा कोर प्रोसेसर के साथ मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100 का चिपसेट देने वाली है और यह मोबाइल एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करेगा और ग्राफिक के मोबाइल के अंदर आपको Mali G610 का GPU भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी अब की बार मीडियाटेक का एक लेटेस्ट पावरफुल चिपसेट प्रोवाइड कराने वाली है, जो कि आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला है और स्मार्टफोन अंदर आपको ड्यूल 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर इसकी बैटरी के बारे में बात करें तो दोस्तों, स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी 80 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 4500 mAh की बैटरी प्रोवाइड कराने वाली है। तो दोस्तों, अब की बार वीवो कंपनी अपनी एस सीरीज के फास्ट चार्जर के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देने वाली है। अब की बार आपको फास्ट चार्जर के अंदर बहुत ज्यादा अपग्रेड देखने को मिलेगा, जिससे दोस्तों आपका स्मार्टफोन बहुत ही फास्ट चार्ज होगा और ये स्मार्टफोन आपको बढ़िया और अच्छा लॉन्ग पावर बैकअप देने वाला है। और दोस्तों, अगर इसके कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों, स्मार्टफोन अंदर आपको USB Type-C पोर्ट, ब्लूटूथ, वाईफाई जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। बाकी दोस्तों, अगर स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में बात करें तो दोस्तों, इंडियन मार्केट के हिसाब से स्मार्टफोन का प्राइस लगभग 40 से 45 हजार रुपए के आसपास होने वाला है। और दोस्तों, अगर इसकी लॉन्चिंग डेट के बारे में बात करें तो दोस्तों, स्मार्टफोन को कंपनी आने वाली 19 मई को चाइनीज मार्केट में उतारने वाली है। उसके बाद यह स्मार्टफोन आपको शायद इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह स्मार्टफोन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।